देखो एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड इनवर्स, निकालना क्या है इनवर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1 डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है 2 × कॉलम जाएगी रो -1 0 2 1 फिर आएगा -1 कॉलम रो जाएगी 4 0 -7 1 एंड एंट्री रो कॉलम गए तो 4 -1 -7 2 डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है 2 दिस वन इज -1 -1 4 और ये होगा 3 4 × 8 -± +(-). तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए -2 -4 +3 तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए -3 ≠ 0 मैं बोलूंगा ए इनवर्स एक्सिस्ट। अगर ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चरों में हमने डिस्कस कर लिया है तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए। तो बच्चों पहले ये देख लेते हैं कि ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स गिवन, इनवर्स निकालना है तो कंडीशन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालो। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए मतलब ये तो पता है, फर्स्ट रो से मैंने एक्सपेंशन पढ़ा है आपको, राइट। अब वो सिंपलीफाई होता हुआ मेरे को नंबर मिल रहा है -3 ≠ 0 ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए। तो नेक्स्ट टारगेट बच्चों मेरा रहेगा वो एडजॉइन ऑफ ए। कन्वीनियंसी के लिए एक बार फिर से मैं ए इक्वल्स टू यहाँ पे लगा देता हूँ 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1 ठीक है। अब एडजॉइन ऑफ ए, सर ने जो रूल दिखाया था वही रूल सर फॉलो अप करेंगे, पहले प्लस, ठीक है। अब फर्स्ट रो से तो 2 वाली रो और कॉलम को पुश करो तो नंबर कौन सा मिल रहा है -1 0 2 1 फर्स्ट वाली रो तो के करेस्पॉन्ड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पुशअप तो -1 0 2 1 फिर जाना है कॉलम से फिर माइनस लिखेंगे रो में तो ये 1 वाली रो तो नंबर कौन सा मिलेगा 4 0 -7 1 फिर बच्चों आएगा वापिस प्लस। देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैं पुश करके 2 × 2 डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं लेकिन वो 2 × 2 डिटरमिनेंट को रो में लिख रहे हैं हम लोग। ट्री के लिए 4 -1 -7 2 समझ रहे हो। तो ये आपका फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम एडजॉइन ए का रेडी हो गया, प्लस माइनस प्लस। अब चलेंगे माइनस तो सेकेंड रो से जाना है मतलब 4 जो है उसकी करस्पॉन्ड रो को हटा दो और कॉलम को हटा दो तो नंबर कौन सा होगा 1 3 2 1 फिर प्लस यहाँ पे रूल माइनस प्लस माइनस 1 -1 वाली रो जाएगी और -1 वाला कॉलम जाएगा तो 2 3 -7 1 2 3 -7 1 फिर माइनस। देखो कैलकुलेशन हम लोग सेकेंड रो के एलिमेंट से 2 × 2 डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं और लिख रहे हैं कॉलम में, ये 0 वाली रो और 0 वाला कॉलम जाएगा, 0 वाली रो और कॉलम जाएगा तो 2 1 -7 2 तो ये मैंने सेकेंड कॉलम सेकेंड रो के हेल्प से कंप्लीट कर दिया। अब थर्ड रो से थर्ड कॉलम तो पहले यहाँ पे रूल है प्लस तो 7 वाली क्या जाएगी रो और कॉलम तो 1 3 -1 0 1 3 -1 0 फिर आएगा माइनस। अब 7 के बाद नंबर लगेगा 2 का तो 2 वाली रो और कॉलम हटाओ तो 2 3 4 0 फिर प्लस 1 वाली रो जाएगी कॉलम 2 1 4 -1 तो ये जो है वो एडजॉइन को लेके जो प्रोसीजर थी वापिस एक बार हम लोग 2 cos 2 डिटरमिनेंट किसका निकालेंगे फर्स्ट रो के एलिमेंट का और सारे डिटरमिनेंट को कॉलम में लिखेंगे रूल प्लस माइनस प्लस। रो कॉलम गया -1 0 2 1 फिर
रो कॉलम 4 0 -7 1, 3 के लिए रो कॉलम 4 -1 -7 2, फिर सेकेंड कॉलम के लिए माइनस प्लस माइनस, 4 के लिए रो कॉलम 1 3 2 1, ठीक है, 4 के लिए मैं जा रहा हूँ 1 3 2 1, फिर वापिस एक बार रो गई कॉलम गया 2 1, माइनस 1 के लिए रो कॉलम 2 3 -7 1, 0 के लिए रो कॉलम 2 1 -7 2, समथिंग लाइक थर्ड वन। अब बच्चों इसका हम लोग निकाल लेंगे सिंप्लीफिकेशन करके एडजॉइंट ऑफ ए, तो हियर इज माइनस 1, 4 1 4 -4, राइट, और ये 0, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस, मतलब माइनस, तो 7 into -1 + 7 अगेन माइनस, 4 in -7 is 1, 1 into 1 1, 3 2 6, 1 -6 -5, और आगे का माइनस हो जाएगा +5, 2 1 2, 7 3 21, तो 2 1 2, 7 3 21, 23 इज देयर, नंबर थोड़ा बड़ा आ रहा था, इज दैट क्लियर, ओके ओके, 3 2 2 4, और माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 7 11, और आगे का माइनस, दिस इज माइनस ऑफ 11, हियर इज 0 - -+3, और ये हो जाएगा 4 3 + 12, और ये होगा -2 - 4, तो माइनस ऑफ 6। अब जो मेरे पास ए इनवर्स करके आएगा फॉर्मूला है, आई मीन 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स इक्वल्स, तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, -3, और एडजॉइंट है -1 5 3, -4 23 12, 1 -1 -11 -6, बच्चों ये जो निकल के आ रहा है वो ए इनवर्स है, एनसीईआरटी की बुक में -3 से डिवाइड नहीं किया गया है, तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया, अदरवाइज -3 से डिवाइड करके भी आंसर कोई एडजस्ट कर सकता है, देख लो। फोकस कर दे मेरे बारे में थोड़ी बार, फोकस कर दे पूरा, एक बार नानू बना ले जाए।